मेरा नाम कुलबीर सिंह है, मैं जे एंड के इलेक्ट्रिक एम्प्लाई यूनियन का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ और न्यू कॉर्डिनेश कमेटी का एक मैं मेम्बर हूँ। हाँ, आज हमारी जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब था, हमारी 26/11 को हमारी कॉर्डिनेशन कमेटी बनी थी और उसमें हमारे एक मेम्बर पेंडिंग रह गए थे, IIT डिप्लोमा होल्डर के प्रेसिडेंट जसबीर सिंह जी। उन्होंने आज हमारे बीच में ज्वाइनिंग की है। हमारे जो मेन इश्यूज़ हैं ऑलमोस्टली जसबीर सिंह जी ने, बलबीर सिंह ने, मेहरा साहब ने ऑलमोस्टली डिस्क्लोज कर दिए हैं। मेरा उनको मैं आगे थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा। मेरा कहना ये मतलब है, हमारा काम सिर्फ दरिया डालना, जैसे मेहरा साहब ने कहा, या नारे मारना, वो हमारा काम नहीं था। हमारे बड़े छोटे से इश्यूज़ हैं जो चीफ मिनिस्टर तक और MD साहब साल हो सकते थे, हमें यूज़ किया गया। हमारे साथ कोई किसी को दुश्मन नहीं है, उनके बहुत बड़े मसले हैं, उनके ऊपर सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। हम नहीं चाहते कि हमारा बोझ लेके वो चलें। हमारा एक ही मुद्दा कि हम अपनी डिमांड्स हैं, हम अपने खुद उसको सॉल्व करवाएंगे, हम खुद लेकर चलेंगे। और दूसरा मसला है कि जो हमारा मीडिया है 2008 से लेके आज तक, जो मीडिया ने हमारा साथ दिया शायद किसी ने नहीं दिया। अगर मीडिया हमारा साथ ना दे, हमारे मसले हल नहीं हो सकते। और मैं आपके माध्यम से फिर ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे कोई बहुत बड़े मसले नहीं है। हमारे DPC के इश्यूज़ हैं, चाहे किसी के भी कैडर का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे ड्राफ्ट्समैन का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे लाइनमैन का इश्यूज़ हो। और मेन जो वर्निंग इशू हमारा PDL TD डेली वेजर का है, जो 25-25 साल का डेली वेजर, आज भी वो डेली वेजर ही मर रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट की कगार पर खड़े हैं, बूढ़े हो गए हैं, मगर डिपार्टमेंट को रेगुलर करने की आगे प्रोसीज नहीं करा है। मैं आपके माध्यम से फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि जो मेरे हमारे इश्यूज़ हैं, वो बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं, हमारे इशू को रिजॉल्व किया जाए ताकि हम लोग स्मूथली काम करें। और जो JEE का इशू, हमारे IIT साहब डिप्लोमा होल्डर ने कहा 400 JEE की कमी है, और 400 JEE का काम हम टेक्नीशियन लोग ही कर रहे हैं, स्मूथली सिस्टम को चला रहे हैं, हम रेवेन्यू क्रैशन कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट को ऐसा कोई लगता है कि ये काम नहीं कर रहे हैं, हमारे जो ऑफिसर जिन्होंने ऑर्डर्स किए हैं, उन कन्फर्म कर लें क्या ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि हमारे जो इश्यूज़ हैं ये हमारे रिजॉल्व करें, ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े कि हम रोड पर आएँ।